हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करोल बाग मार्केट की वीडियो लेकर आई हूँ। इस मार्केट के दो पार्ट्स होने वाले, तो पार्ट वन तो ये रहा और पार्ट टू एक दो दिन बाद आएगा। एंड उस पार्ट टू में मैं आपको सारी ब्रांड्स दिखाऊंगी जो जो करोल बाग में हैं। और इस पार्ट में मैं आपको मार्केट का ओवरव्यू दूंगी, वहाँ पे कैसे कैसे विंटर क्लोथ्स आ गए हैं, क्या क्या सेल लग रही है, किस शॉप पे कैसा आइटम है, सॉरी कैसे प्रोडक्ट्स एंड ऑल है, तो मैं वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने मेट्रो स्टेशन की साइड से एंट्री ली थी, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली। एंट्री के टाइम पे एंट्री के साइड में ही लेन है ये करोल बाग मार्केट के लिए। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेड़ी सी लगी होती हैं, पटरी टाइप लगी होती है, उन पे प्रोडक्ट सेल करता है, शूज़ वगैरह सेल करता है, वॉचेस, फ़ोन के कवर्स, हैंड बैग्स, बहुत सारी चीज़ें सेल करता है, शूज़ भी सेल करते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर शूज़ वगैरह। फिर एक भैया आगे ये शू ले रहे थे, काफ़ी अच्छे से दिख रहे थे दूर से देखने में तो ये काफ़ी, बट क्वालिटी इतनी खास नहीं थी, बट अट्रैक्टिव था, आपको फोटो में दिख ही रहा है। 800 इनका प्राइस बता रहे थे, वो 300-400 तक ये बहुत ईजिली दे देते, बहुत ईजिली। एंड फिर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो की शुरुआत मोमोज से की जाए, मैंने थोड़ा मोमोज खा लिया। यहाँ पे मोमोज मिलते हैं, बहुत फेमस पास्ता भी मिलता है यहाँ पे। आप इंस्टाग्राम में वीडियोस में देखते होंगे, पास्ता एक आंटी सी बनाती रहती है, वो यहीं पे मिलता है इसी कॉर्नर पे करोल बाग मार्केट के। तो अब ये मार्केट का ओवरव्यू, ऐसे बीच में चेयर्स लगी होती है, ऐसे शॉप्स होती है, शॉप्स का पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, शॉप नेम होता है। यहाँ पे ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर्स वाली शॉप नहीं होती है, तो साइड्स में शॉप थी, इन पे ऐसे ऐसे सूट वगैरह थे, टॉप थे, वुलन टॉप थे, वुलन मतलब स्टफ आ चुका है, ऑब्वियसली नवंबर चल रहा था, वुलन तो आ ही गया है। सेल लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। अगर आप इस मार्केट में मंडे को जाएंगे तो वहाँ पे तब आपको ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा सेल लगी होती है मंडे के टाइम। तो यहाँ पे ये टॉप वगैरह दे रहे थे 110 रुपये का, एक था 500 के 5 दे रहे थे वो टॉप। इनमें कुछ इतना खास तो मुझे दिखे नहीं, टी शर्ट वगैरह क्वालिटी इतनी खास नहीं थी, बट हाँ ये जो वुलन के हैं, ये वुलन के बहुत अच्छे अच्छे थे, 200 की सेल में लगे हुए थे। सॉफ्ट फैब्रिक था इनका, काफ़ी अच्छे अच्छे थे, इनमें काफ़ी सही कलेक्शन लगा मुझे वहाँ पे इनका टॉप वगैरह का। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप करोल बाग जाए अगर आपको टॉप वगैरह चाहिए, काफ़ी अच्छा स्टफ़ था वहाँ पे देखने में वुलन का। अगर आप वुलन का देखना चाह रहे हो, थोड़ा मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती जितनी सरोजिनी नगर में मार्केट में होती है, लाजपत नगर मार्केट में होती है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ होती है, बट मार्केट अच्छी है। ये जो ये था टॉप था वुलन टॉप, ये बहुत बहुत प्रिटी था, SHNM में होता, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी, बहुत अच्छी। फिर इन्हीं से आगे ईयर रिंग्स लगी हुई थी यहाँ पे, ये पजामास जीन्स वगैरह दे रहे थे 250-250 की, एंड ये 100 के टॉप यहाँ पे टॉप। इनमें ड्रेसेस भी होती हैं, इनमें सब कुछ होते हैं, शॉप्स के बाहर ही लगा देते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को। ये ड्रेस थी ये जो मिल रही थी 150 की। एंड फिर मैं आगे इस शॉप पे चली गई, इस पे काफ़ी बॉयज़ की शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह, बॉयज़ की भी एंड गर्ल्स की दोनों की मिल रही थी। फिर इन्हीं के बाहर रिंग लगी हुई थी बॉयज़ की, टी शर्ट वगैरह की, कॉलर टी शर्ट थी यहाँ पे। फिर ये मार्केट में मैं थोड़ा सा आगे शॉप पे गई, यहाँ पे जीन्स की सेल थी, और इसके आगे शॉप में मतलब हर शॉप के बाहर रिंग्स लगी हुई थी, जो लोग ये सेल करते हैं सेल की रिंग्स लगी होती है। कुछ स्टार्टिंग में 15-20, 15-16, 17 शॉप्स होती हैं बस यहाँ पे, ये टॉप टी शर्ट वगैरह के। इन सच में कुछ पे बहुत अच्छा अच्छा स्टफ़ होता है, जैसे हम क्लब फैक्ट्री पर देखते थे शीन वगैरह के टॉप काफ़ी होते हैं यहाँ पे। ये पजामा काफ़ी अच्छा था, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ये 100 रुपीज़ में मिल रहा था। कुछ इनमें बहुत ख़राब भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं, को देखना पड़ता है थोड़ा। फिर ये वाली जो शॉप है, इस पर काफ़ी लेटेस्ट ट्रेंडी टॉप्स होते हैं, शर्ट्स होती हैं अलग अलग टाइप की, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन होता है इस शॉप पे। एंड ये अंदर भी सेल लगाए रखते हैं टॉप वगैरह की अपनी शॉप में ही। यहाँ पे ये बॉयज़ की शॉर्ट्स मिल रही थी, बॉयज़ की शॉर्ट्स काफ़ी अच्छी अच्छी अलग अलग डिज़ाइन की दे रहे थे लोग, काफ़ी अच्छा अच्छा डिज़ाइन था इनके पास बॉयज़ की शॉर्ट्स का। बस थोड़ी हल्की थी, और हल्की के हिसाब से मेरे को इनका प्राइस इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, 200-200 की दे रहे थे ये, बट बहुत अलग अलग डिज़ाइन थे इन भैया के पास, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था मतलब शॉर्ट्स का अलग। आप गोवा वाली बीच पर जाके ये पहन सकते हैं बॉयज़ लोग। एंड फिर यहाँ पर ये जो शॉप थी, इनके बाहर भी बॉयज़ की शॉर्ट्स लगी थी यहाँ पर, ये बॉक्सर्स वगैरह थे। आप अगर ले सकते, अगर आपको ज़रूरत है, यहाँ पे शॉर्ट्स काफ़ी मिल जाती है बॉयज़ के लिए, बॉयज़ का भी स्टफ़ होता है इस मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, सेंडोज वगैरह बॉयज़ के काफ़ी होते हैं यहाँ पे, काफ़ी सही मिल जाते हैं प्राइसिंग एंड ऑल में, क्वालिटी भी ठीक होती है, इतनी बेकार नहीं होती है। ये आपको मार्केट दिख रही है कैसी होती है, अब आपको पता होगा अगर आप करोल बाग गए हैं या आपने सुना है, तो करोल बाग में ब्रांड्स भरमार है, मतलब पूरी दिल्ली में जितनी भी ब्रांड्स आपको चारों तरफ मिलेंगी वो सारी करोल बाग में एक साथ मिल जाएंगी आपको। एंड ये एक शॉप के बाहर ये रिंग में टॉप लगे थे, ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, समर के टॉप्स थे ये,
काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक डिज़ाइन के थे, कलरफुल थे, फ्लोरल डिज़ाइन में थे, काफ़ी अट्रैक्टिव टॉप्स थे यहाँ पे। ये जो शर्ट्स हैं ये बहुत ट्रेंड में हैं, आपको इंस्टाग्राम पे दिखती होगी या ऑनलाइन दिखती होंगी, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिल रही थी एक शॉप पे काफ़ी ज़्यादा। और ये टॉप इतने प्रीटी प्रीटी टॉप यूनिकॉर्न कलर्स में थे, ये काफ़ी अच्छे अच्छे थे, ये 250 के मिल रहे थे शायद ये, बट इनके पास काफ़ी इस रिंग में काफ़ी अलग अलग मतलब अच्छे अच्छे टॉप थे। ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया था पिंक फ्लोरल का, इसका इसमें बहुत सारे कलर शेड थे एंड बहुत प्रिटी कलर्स थे बहुत। और इनके स्लीव्स भी इतनी फ्लेयर वाली थी, काफ़ी अच्छी थी, आप ले सकते हैं यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। राइट हैंड में ही ये शॉप है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर इसी से आगे ये शू की शॉप थी। अब ऐसे मैं पर्टिकुलर शॉप का नेम या नंबर तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप ऐसे सीधे सीधे जाएंगे, आप राइट हैंड साइड ये शॉप्स पड़ती है सारी, आप देख सकते हैं। एंड ये जो ये कहीं कहीं ईयरिंग्स वाले होते तो इनके पास ये ईयरिंग्स थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको ईयरिंग्स का भी कलेक्शन दिखा दूँ किस टाइप के मिलते हैं वहाँ पे। ये झुमकियों का भी कलेक्शन था कुछ, मतलब अगर आप मंडे वाले दिन जाएंगे शायद मंडे को ही सेल लगती है वहाँ पे करोल बाग मार्केट में भी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है। मंडे या सैटरडे होता है, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है इस चीज़ में, वहाँ तब ईयरिंग्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ये बहुत बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग्स की सेल लगी होती है वहाँ पर। इतने प्रिटी सिल्वर के इयररिंग्स थे। फिर ये बॉयज़ की शूज़ की शॉप थी, इन पर काफ़ी ज़्यादा भरमार शूज़ थे बॉयज़ के, लाइक ये पूरी शॉप शूज़ से ही भरी पड़ी थी बॉयज़ के कलेक्शन। कैनवास ले लो, फ्लिप फ्लॉप ले लो, या फिर लोफर शू ले लो, स्पोर्ट्स वाले ले लो, कैसे भी ले लो आप इनके पास, आप देख ही रहोगे भैया भी नहीं दिख रहे शॉप के ढेर में, शूज़ के ढेर में इस शॉप के अंदर, तो इतना ज़्यादा कलेक्शन था इनके पास शू का। आप देख सकते हैं किसके, मैंने थोड़ा झलक दिखा दी, ऐसे ऐसे शूज़ मिलते हैं इनके पास। फिर मैंने थोड़ा सा आगे मूव किया, ये यहाँ पे ब्रांड्स हैं, और मैंने फिर राइट हैंड की साइड, सारे शॉप्स राइट हैंड साइड मिलेंगे आपको जाते टाइम। ये यहाँ पे एक्सेसरीज़ की शॉप है, इनके पास काफ़ी एक्सेसरीज़, और इन्हीं के बराबर में ये अंडर गारमेंट्स की शॉप है वुमेंस की। फिर इस शॉप पे 100-100 रुपये में गर्ल्स के टॉप की सेल लगी थी, टी शर्ट टाइप थी इसमें, क्रॉप टी शर्ट वगैरह काफ़ी सही थी, मुझे इतना बुरी तो लगी नहीं, मतलब ठीक थी, 100 रुपये में सही थी। फिर ये जो शॉप है, इस शॉप पे इतने प्रीटी ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना शीन वाले, यहाँ पे शीन वाले टी शर्ट थी, टॉप थी, इतने प्यारे टैंक्स टॉप थे, बहुत अच्छे अच्छे थे इनके पास, एंड क्वालिटी भी सच में बहुत अच्छी थी इन टॉप की, बहुत अच्छी। इन्हें 300 का दे रहे थे वो, 300-400 का टी शर्ट्स, बहुत प्रीटी थी एंड क्वालिटी भी सच में बहुत अच्छी थी। ये मैंने आपको नाम दिखाई दिया है कौन सी शॉप है, अगर आपको जाना हो इस शॉप पे चले जाना, इनके पास काफ़ी लेटेस्ट कलेक्शन होता है। फिर यहाँ पे ये एक्सेसरीज़ की शॉप थी, फिर यहाँ पे फुटवेयर शूज़ वगैरह की शॉप भी थी, सैंडल्स वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं, फुटवेयर भी बहुत है करोल बाग में, बहुत मिलते हैं फुटवेयर, बैग्स वगैरह ट्रेडिशनल, मतलब हर टाइप का आपको स्टफ़ करोल बाग में देखने को मिल जाएगा, हर टाइप का। एंड बस ये ऐसे शूज़ वगैरह, टॉप, टी शर्ट, मतलब ऐसे ही सेल लगी होती है पूरी मार्केट में, करोल बाग मार्केट में। और इसके बाद मेरा जो पार्ट होगा उसमें मैं सारी ब्रांड्स दिखाऊंगी, मान्यवर, वन ओसेन, पीटर इंग्लैंड, या फिर तुम्हारा वेस्ट साइड वगैरह, पेंटलून, जितना भी है शादी वाले जितने भी कपड़े हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखना, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो। ओके, बाई।